तो 17वीं शताब्दी में यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब शासन था तो मराठा साम्राज्य है जो पूरे भारत में फैला गया था। लेकिन मराठा साम्राज्य का इतिहास सिर्फ इतिहासों के पन्नों में ही दर्ज है, तो वो क्या है, उसके पीछे की क्या वजह है, वो बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि स्वतंत्र भारत के वक्त जिस शिक्षा का प्रचार हुआ था, तब मराठा साम्राज्य और उनके इतिहास को अनदेखा कर दिया था और नज़रअंदाज कर दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं मुरारबाजी देशपांडे की। मुरारबाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुरंदर किले के सरदार थे, और मुरारबाजी और दिलेर खान का जो युद्ध हुआ था उसका इतिहास आप सभी लोगों को जानते ही होंगे। और उसी के साथ वो इतिहास क्या था वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, और उसी इतिहास के साथ मुरारबाजी का क्या इतिहास है वो भी आज हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुरारबाजी देशपांडे। शुरू का जो काल था तब जावली के चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो अपना काम करते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जो जावली थी उसको मराठा साम्राज्य में मिलवाना चाहते थे, या फिर मराठा साम्राज्य में अपने पास लाना चाहते थे जावली को मराठा साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली पर जब आक्रमण किया था तो चंद्रगुप्त की जावली का प्रमुख योद्धा मुख्य योद्धा थे मुरारबाजी देशपांडे। छत्रपति शिवाजी महाराज और जावली के बीच में जो युद्ध हुआ था वहाँ पे मुरारबाजी देशपांडे ने जावली की ओर से युद्ध करते हुए बहुत ही अच्छा पराक्रम दिखाया था। उसी पराक्रम से प्रभावी होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य में और स्वराज्य में आने के लिए मुरारबाजी देशपांडे न्योता दिया, और उसी न्योते को कर किया और स्वराज्य में आए, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य की ताकत दोगुनी हो गई थी। हमने जो इतिहास सुना है यानी कि मुरारबाजी और दिलेर खान का जो युद्ध हुआ था वो आखिर क्या है, चलिए देखते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर किले की जिम्मेदारी मुरारबाजी देशपांडे को दी थी। वो क्यों दी थी, क्योंकि मुरारबाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत ही विश्वसनीय और पराक्रमी सैनिक थे, इसीलिए मुरारबाजी को जिम्मेदारी दी थी पुरंदर की। और मराठा साम्राज्य के लिए पुरंदर किला बहुत ही महान था और बहुत ही ज़रूरी था पुरंदर किला, इसी वजह से। और यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1646 में जीता था। किले के जीत के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को पूरे भारत देश में फैलाने का स्वप्न देखा था, इसी वजह से यह किला बहुत ही अहम था मराठा साम्राज्य के लिए। और उसके बाद यह किला पश्चिमी घाट में है और ये समुद्र से लगभग 4,472 फीट ऊँचाई पर स्थित है। पुरंदर किला दो भागों में विभाजित किया गया है, तो पहले भाग का नाम है माची और दूसरे का नाम है पाली। तो पुरंदर का जैसे आप प्रवेश द्वार में जाते हैं तो माची वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप अंदर जाते हो, आप जैसे ही पर्वत ऊपर चढ़ के जाते हो तो पुरंदर का दूसरा किला आपको नज़र आता है जो कि है बाले। और वहाँ बाले किले पर जाने के लिए आपको सिर्फ एकमात्र मार्ग मिलेगा, ये जो रास्ता है हो जाता है वज्रगढ़ से, यानी कि पुरंदर किले के जो सामने वज्रगढ़ है वहाँ से। यानी कि पुरंदर किले पर किसी को आक्रमण करना है तो उसे पहले वज्रगढ़ से लड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई काम अपनी शिद्दत से किया जाए तो उसे पूरा विश्व याद रखता है, और उसी वजह से मुरारबाजी ने पुरंदर किले के रक्षार्थ ऐसा ही जो काम शिद्दत से किया था, यही काम शिद्दत से किया था, इसी वजह से उनका इतिहास बना है। 16 मई 1662 आषाढ़ का मास चल रहा था, और यह दिन पूरा आसमान बादलों से भरा था, और यह दिन किसे मालूम था कि यह दिन हो जाएगा अमर, अमर हो जाएगा बाजी प्रभु के नाम से। इसी दिन बाजी प्रभु को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा था। ऐसा ही दिन था कि जहाँ पर बाजी प्रभु का जो इतिहास होने वाला था वो युगो युगो तक इतिहासों के पन्नों से कभी भी हटाया नहीं जा सकता था। तो मिर्जा राजे ने आक्रमण किया था मराठा साम्राज्य पर, आक्रमण किया था पुरंदर किले पर, और वहाँ पर अपना सेनापति यानी कि दिलेर खान को 30,000 सैनिकों की फौज लेकर पुरंदर किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि पुरंदर किले की रक्षा कर रहा है मुरारबाजी देशपांडे। ने जो इतिहास सुना है मुरारबाजी और दिलेर खान का पुरंदर का युद्ध, वो यही युद्ध है। बादल गड़गड़ा रहे थे,
लेकिन दिलेर खान ने पुरंदर किले पर आक्रमण किया और पुरंदर किले को चारों तरफ से घेर लिया था। और पुरंदर किले को जब चारों ओर से घेर लिया तो वो ढूंढ रहा था प्रवेश द्वार कहाँ पर है। वो आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ पर कैसे घुसे पुरंदर किले के लिए, आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन तब उसे पता चला कि अगर पुरंदर किले को जीतना है तो पहले वज्रगढ़ को जीतना पड़ेगा। वज्रगढ़ की तब रक्षा कर रहे थे 300 सैनिक, सिर्फ 300 सैनिक रक्षा कर रहे थे। मुरारबाजी देशपांडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कंधे से कंधा मिलाए बहुत सी लड़ाइयाँ छत्रपति के साथ मिलकर लड़ी। लेकिन हे जो दिलेर खान के साथ युद्ध था वो उसका इतिहास में बहुत बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो मुरारबाजी देशपांडे को मालूम था कि अगर यहाँ पर माची किले का एक भी बुरुज यहाँ पर गिरा तो किला बचा पाना मुश्किल ही है, किला यहाँ से बच ही नहीं सकता। इसी वजह से और वहाँ पर मुगल यानी कि औरंगजेब ने मिर्जा राजे जय सिंह को भेजा था यहाँ पर किला लाने के लिए। और मिर्जा राजे जय सिंह दिलेर खान के साथ अपना मोर्चा संभाल रहे थे। मुगल वज्रगढ़ से तोपों से हमला कर पुरंदर किले के बुरुज, माची किले के बुरुज को गिराना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर मुरारबाजी अपने 700 सैनिकों के साथ वज्रगढ़ वहाँ पर पहुँचे, मुगलों को मौत के घाट उतारा और उनकी जो तोप है वो वहाँ से पुरंदर किले पर हमला करने वाले थे उस तोपों को बेकार करके उसको बर्बाद कर दिया उनकी तोपों को, और फिर जाके पुरंदर किले पर चले गए। मराठा सैनिक मुगलों की तोपों को बर्बाद करके अपने किले की ओर पुरंदर किले की तरफ लौट रहे थे। तब यहाँ पर मुगल के जो सोए हुए सैनिक थे वो उठे और अपनी तोपों को बर्बाद किया देखकर उन्होंने चार मराठा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और मुगल की सैनिकों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो मराठा साम्राज्य की सेना पर या फिर मराठी सैनिकों पर हमेशा भारी पड़ रहे थे। मुगल की सेना ज़्यादा थी इस वजह से वो किला लगभग जीतने ही वाले थे, उन्होंने जीतने की लगभग तैयारी कर ली थी। उसीलिए मुरारबाजी देशपांडे ने अपने सैनिक ज़्यादा समय तक लड़ रहे थे, उसी वजह से उनका राशन उनके बारूद वो लगभग ख़त्म हो रहे थे। इसी वजह से मुरारबाजी देशपांडे भी अपने आखिरी लड़ाई के लिए, आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। और यहाँ पर दिलेर खान ने अपनी 5000 की फौज बाली किले पर भेजी। बाला किला जितना बाकी था, पुरंदर किला अपने हाथ आ जाता, सिर्फ बाली किला जितना बाकी था। तो 5000 सैनिकों की टुकड़ी बाली किले पर भेजी। वहाँ पर मुरारबाजी तैनात थे, मुरारबाजी और दिलेर खान की 5000 की सैनिक, सिर्फ आखिरी युद्ध बाकी था। दिलेर खान के आदेश के अनुसार 5000 की सैन्य बाली किले पर पहुँची और मराठा सैनिक के लिए आसान नहीं था 5000 के सैनिक के साथ लड़ना। लेकिन उन्होंने माथे पे कपन बांध कर तन मन धन से युद्ध करने के लिए वो वहाँ पर खड़े थे मराठा सैन्य। और मुरारबाजी देशपांडे का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि दिलेर खान को कैसे भी करके मौत के घाट उतारने का है। इस युद्ध में वार प्रतिवार हो रहे थे और दिलेर खान ने जो तीर छोड़ा वो तीर सीधा जाके लगा मुरारबाजी के गर्दन में और मुरारबाजी के गर्दन से वो तीर आर पार हो गया। और यही वो समय था कि जहाँ पर लगा कि समय रुक गया है, आसमान में बिजलियाँ चमक रही थी। और यही वो दिन, यही वो समय था कि जहाँ पर मुरारबाजी वीरगति को प्राप्त हो गए। सिर्फ मुरारबाजी प्राप्त नहीं हुई थी वीरगति, तो वो हुआ था शौर्य का अंत, वो हुआ था उस पराक्रमी वीर का अंत जो कि लड़ा था इन मुगलों के सामने। सिर्फ मुरारबाजी देशपांडे नहीं तो उनके साथ 300 मराठा मावड़ा भी वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन इस युद्ध से मराठों से ज़्यादा मुगलों को नुकसान हुआ था, क्योंकि उनको 500 से ज़्यादा सैनिक वो भी मौत के घाट उतारे गए थे। मुरारबाजी के मृत्यु के बाद दिलेर खान को लगा होगा कि पुरंदर किला में ऐसे ले लूँगा। लेकिन मुरारबाजी के मृत्यु के बाद 2 महीनों तक ये युद्ध चला, लेकिन मुगल इस किले को छू भी नहीं सके। उसके बाद जैसे ही मुरारबाजी की मृत्यु हुई वैसे ही दिलेर खान ने कसम ले ली कि जब तक इस किले को नहीं जीतेंगे तब तक मैं अपने सर पर जो पगड़ी उसे नहीं पहनूंगा, क्योंकि उसके सैनिक का उत्साह बढ़ सके। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश के अनुसार इस युद्ध को वहीं पर रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि मिर्जा राजे जय सिंह के साथ एक संधि के तहत इस युद्ध को वहीं पे रोका गया था।
अगर मुरारबाजी देशपांडे की समाधि की बात करें तो पीपल दोह नामक एक गांव है जहाँ पर सोमेश्वर नाम का मंदिर है, उसके सामने मुरारबाजी की समाधि आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मुरारबाजी देशपांडे को हर वर्ष 16 मई को मुरारबाजी की पुण्यतिथि बनाई जाती है। तो मुरारबाजी देशपांडे से इसी शौर्य गाथा से आपको क्या सीख मिली कमेंट्स में मुझे बताइए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।